गुड मॉर्निंग केट्स हाउ आर यू ऑल आई होप दैट यू ऑल आर फिट एंड फाइन गेट्स टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश गेट्स टुडे इन इंग्लिश आई विल टीच यू कर्सिव राइटिंग गेट्स टुडे इन कर्सिव राइटिंग आई विल टीच यू हाउ टू राइट कर्सिव लेटर ए टू एल बच्चों आज मैं कर्सिव राइटिंग में कर्सिव लेटर ए टू एल लिखना सिखाऊंगी सो नाउ किड्स लेट्स स्टार्ट डूइंग द वर्कशीट ऑफ हाउ टू राइट कर्सिव लेटर ए टू एल बच्चों की आपके कर्सिव लेटर ए टू एल्व की वर्कशीट है आज आप कर्सिव लेटर ए टू एल्व जो है वो इस वर्कशीट में लिखेंगे किड्स टूडे आई विल टीच यू हाउ टू राइट करसिव लेटर ए टू एल्व इन दिस वर्कशीट सो नाउ किड्स लेट्स राइटिंग कर्सिव लेटर ए टू एल सो किड्स पहले क्या आता है ए तो पहले हम लिखेंगे ए ए लिखेंगे हम ए कैसे बनते हैं राउंड शेप फिर रिवर्स यू

नाव गेट्स आई विल टीच यू हाउ टू राइट स्मॉल कर्सिव लेटर भी कैसे लिखेंगे स्मॉल कर्सिव लेटर भी पहले एक स्लैंटिंग लाइन फिर सी की तरह शेप बना देंगे इसको फिर जो है हम ब्लैक लाइन तक लेके जाके फोल्ड कर देंगे सो गेट्स आफ्टर बी वॉट कम सी तो फर्स्ट आई विल टीच यू हाउ टू मेक कैपिटल कर्सिव लेटर सी कैपिटल कर्सिव लेटर सी कैसे बनता है पहले हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे फिर एक स्लैंटिंग लाइन फिर नॉर्मल सी अब हम स्मॉल कर्सिव लेटर सी बनाएंगे पहले फोल्ड स्लैडिंग लाइन दैन नॉर्मल सी आफ्टर सी वॉट कम्स डी सो किट्स आई विल टीच यू हाउ टू मेक कैपिटल कर्सिव लेटर डी एंड स्मॉल कर्सिव लेटर डी सो किट्स फर्स्ट आई विल टीच यू हाउ टू मेक कैपिटल कर्सिव लेटर डी तो बच्चों कैपिटल कर्सिव लेटर डी कैसे बनाते हैं फर्स्ट किट्स यू हैव टू मेक वन स्टैंडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन में आगे आपको फोल्ड करना होगा आपको इसी फोल्ड से जो नॉर्मल डी बनाते हो वो बनाना होगा और फिर इसको थोड़ा सा यू फोल्ड करना होगा नाउ किड्स आई विल टीच यू हाउ टू मेक स्मॉल कर्सिव लेटर डी बच्चों स्मॉल कर्सिव लेटर डी तो बहुत ईजी है फर्स्ट यू हैव टू मेक वन फोल्ड देन स्लैंटिंग लाइन देन नॉर्मल डी फर्स्ट यू हैव टू फोल्ड देन स्लैंड लाइन देन नॉर्मल डी किड्स आफ्टर डी वॉट कम्स ई सो हेयर वी विल राइट ई तो बच्चों ई कैसे लिखते हैं हाउ टू राइट ई किड्स फर्स्ट यू हैव टू मेक वन स्लैंटिंग लाइन पहले आपको एक स्लैंटिंग लाइन बनानी होगी देन वन कर्व लाइन लाइक सी वन मोर कर्व लाइक लाइक सी एक सी की तरह दो कर्व लाइन बनानी होंगी और फिर उसको थोड़ा सा आउटसाइड लेके जाना होगा थोड़ा सा उसको मोड़ना होगा स्मॉल कर्सेव लेटर ई कैसे बनेगा बच्चों फर्स्ट स्लांटिंग लाइन देन नॉर्मल सी आफ्टर ई वॉट कम्स किट्स एफ नाउ वी विल मेक एफ तो एफ कैसे बनता है बच्चे बच्चों पहले मैं आपको कैपिटल कर्सिव लेटर एफ लिखना सिखाऊंगी तो कैसे बनता है कैपिटल कर्सिव लेटर एफ फर्स्ट यू हैव टू मेक वन Standing line, then sleeping line, then J-like shape. J तो किधर shape बनानी होगी, अंदर S banana hoga Okay kids, now I will teach you how to make small cursive letter F. Small cursive letter F kaise banta hai ek slanting line, fold, फिर एक standing line, लम्बी सी red line तक, और फिर fold कर दो, जैसे आप G की G fold करते हो। F after F what comes? G कैपिटल कर्सिव लेटर जी बच्चों कैसे बनता है पहले स्लैंटिंग लाइन फिर नॉर्मल सी बना देंगे और फिर इस सी को हम ब्लैक लाइन तक लेके जाके एक लंबी सी स्टैंडिंग लाइन पिंक लाइन तक खींच के फोल्ड कर देंगे कर्सिव लेटर स्मॉल स्मॉल कर्सिव लेटर जी लिखने से कहा बच्चों आपको मैं फर्स्ट यू हैव टू मेक वन फोल्ड देन स्लैंटिंग लाइन देन नॉर्मल जी नॉर्मल स्मॉल जी जैसे बनाते हैं वैसे बना देंगे नाउ गेट्स आई विल टीच यू एच आफ्टर जी वॉट कम्स किट्स एच ए बी सी डी ई एफ जी एच आफ्टर जी वॉट कम्स एच तो हम यहाँ क्या बनाएंगे एच तो बच्चों एच कैसे बनाते हैं फर्स्ट वन प्लांटिंग लाइन देन वन स्टैंडिंग लाइन एंड देन फोल्ड देन वन मोर स्टैंडिंग लाइन एंड देन ओ लाइक शेप नाउ किड्स आई विल टीच यू हाउ टू मेक स्मॉल कर्सिव लेटर एच तो बच्चों पहले एक स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे उसको फोल्ड करिए फिर नॉर्मल एच बना लीजिए और इसको थोड़ा सा फोल्ड कर दीजिए नाउ किड्स आफ्टर एच वाट कम्स आई सो आई विल टीच यू हाउ टू मेक आई बच्चों आई कैसे बनता है पहले एक स्लीपिंग लाइन बनेगी फिर एक स्लैंटिंग लाइन और फिर बीच में स्पेस दे के हम ये जे की तरह शेप बना देंगे बन जाएगा आई स्मॉल आई जिस नॉर्मल आई बनता है वैसे स्मॉल आई बनता है कर्सिव लेटर का भी आई के बाद किड्स वाट कम्स आफ्टर आई जे जे बिल्कुल आई की तरह ही बनता है पहले हम ऐसे एक स्लीपिंग लाइन फिर स्लैंटिंग लाइन फिर ये जे की तरह शेप दे देंगे बट जो हम ये हो फिर एक स्टैंडिंग लाइन बना देंगे फिर जो ये स्टैंडिंग लाइन होती है हम जे में रेड लाइन तक लेके जाते हैं और फिर उसको फोल्ड कर देते हैं स्मॉल लेटर जे कैसे बनता है बच्चों पहले एक स्लैंटिंग लाइन और फिर जैसे आप नॉर्मल जे बनाते हो वैसे Now kids after J what comes K. So now I will teach you how to make capital cursive letter K and small cursive letter K. तो so, बच्चों capital cursive letter K कैसे बनता है एक slanting line, फिर एक J की तरह shape, फिर हमें क्या करना होता है हमें एक मिड पॉइंट से दोनों एक स्लैंटिंग लाइन फिर एक स्लैंटिंग लाइन जोड़नी होती है वो जोड़नी होती है स्मॉल कर्सिव लेटर के कैसे बनता है एक स्लैंटिंग लाइन फिर फोल्ड और फिर जैसे हम नॉर्मल के बनाते हैं वैसे आफ्टर के वर्ड कम्स एल सो वी विल राइट एल तो बच्चों एल कैसे बनता है एक स्लैंटिंग लाइन फिर फोल्ड करा और फिर नॉर्मल स्टैंडिंग लाइन फिर फोल्ड करके इसको मोड़ दिया एक नॉर्मल एल की जैसे बनाते हैं वैसे ही है, हमारा कर्सिव लेटर का एल बनता है बस ये थोड़ा फोल्ड हो जाता है सो किड्स वॉट यू हैव रिटिंग यू हैव रिटिंग कर्सिव लेटर ए टू एल तो बच्चों ए टू एल एक बार ए बी सी डी पढ़ते हैं ए

After B, what comes? C. So, first we will write, write capital cursive letter C, then small cursive letter C. A, B, C. After C, what comes? D. We will make D. Capital D and small d. After D, what comes? E. We will make here E like this. After E, what comes? F. So, we will make F. After F, what comes? G. We will make G here. After G, what comes? H, after G what comes? H, after H, I. What we will write here? I. After I, J. After J, gets K. What comes after After L What comes after K? L. So, kids, one more time you will write it by yourself. So, kids, like this, you all will write cursive letter A to L in your English copy. Thank you.